मैं आदेश को लक्ष्मी प्यारे के साथ जब फिल्म करते थे एज एन असिस्टेंट तब से मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म गुलामी 1985 में जो रिलीज़ हुई थी तो उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत बहुत ज़बरदस्त दिया था प्यारे लाल जी ने, तो उसमें आदेश ने रिदम बजाया था, तो तब से मेरी दोस्ती उसके साथ चली आ रही थी और वो दोस्ती हमारी फिर बढ़ती गई और फिर उसने मेरी पहली प्रोडक्शन जो है बॉर्डर उसमें बैकग्राउंड किया दिया और उस बैकग्राउंड के लिए उनको अवार्ड मिला, फिल्मफेयर अवार्ड मिला, स्क्रीन अवार्ड मिला, हर अवार्ड जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मिला। फिर उसके बाद उस आदेश ने रेफ्यूजी में बैकग्राउंड लिया मेरी सेकेंड फिल्म, फिर उसके बाद थर्ड फिल्म मेरी LOC कारगिल, फिर उन्होंने बैकग्राउंड दिया और मैंने उससे वादा किया था कि अगली फिल्म जो बनाऊंगा मैं उमराव जान के बाद जो मैंने सोचा था जो अब मैं बनाने जा रहा हूं कि उसमें तुम म्यूज़िक दोगे, बट होनी को कुछ और मंजूर था तो नहीं हो पाया। तो सर इतने सारे फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया, तो क्या USP क्या तुम कहते हैं म्यूजिशियन अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे मेरा और उसका क्या है, एक बहुत ही गहरी दोस्ती थी, बहुत प्यार और मोहब्बत था मेरे साथ और क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती थी तो जाहिर है कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, मेरे टेम्परामेंट को, मेरी सेंसिटिविटी को कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और ये किस लेवल पे काम करता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मुझे बैकग्राउंड देता था जो कि बहुत ही मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, द पार्ट ऑफ द म्यूज़िक, एन एक्सटेंशन ऑफ द म्यूज़िक दैट वाज देयर। बस तो म्यूजिशियन ही थे, सिंगर भी थे आदेश जी, तो कितना बड़ा टैलेंट होना, कितना मुश्किल काम होता है। नहीं नहीं बहुत इजी था, वो तो बॉर्न टैलेंटेड था, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है, was born talented and very rightly he has been given this honor and I'm really happy and I am glad that they have named this road on after him because he deserves the least. Thanks sir. Thank you.